नमस्कार साथियों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी ये जिमनी परचेज़ की है और ये हमारी फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव है और हम आ गए हैं इंडियाज लास्ट विलेज माना, जो फर्स्ट विलेज बन चुका है। वैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता, क्योंकि पर्सनली मेरा मानना है कि फर्स्ट तो वो होता है जब कहीं एंट्री हो, बट चलो छोड़ो, वो गवर्नमेंट कुछ भी करती रहती है। अब आते हैं अपनी जिमनी पे। तो पूरा रास्ता बीच में बहुत सारे पैचेस ऐसे थे जो कि काफ़ी ख़राब थे, बट जो एक लोगों ने हमें डराया था, वो हमें डराया था इसकी माइलेज को लेके कि 10 के ऊपर नहीं जाता इसका माइलेज, बट इसका माइलेज हिल्स बेस नहीं दिया है, 14.5, 15 तक भी गया है। और अगर ओली जब मैं गया था तो ओली बिल्कुल स्टिफ चढ़ाई थी, हम 4 लोग इसमें बैठे हुए थे, एसी भी चल रहा था क्योंकि फोग आ रही थी, तो उस वक्त इसका माइलेज आ गया था लगभग 12.5-13, उस वक्त भी आ गया था। और मैक्सिमम हमें एक जगह 4x4 अप्लाई करना पड़ा और उस टाइम तो परफॉर्मेंस इतनी स्मूथली ये निकली है कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता शब्दों में। और जब हम ले रहे थे मुझे खुद ही डर लग रहा था कि कहीं गलती नहीं कर रहे हम, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बोला थार लो। और बट अब मैं बोल सकता हूँ कि हमारा डिसीज़न बिल्कुल ठीक था। और मैं जो लोग थार कंसिडर भी कर रहे हैं तो उन्हें भी अपील करूँगा कि एक बार जिमनी चला के देखो, क्योंकि इसमें बॉडी रोल नहीं है। थार में जितना बॉडी रोल है लगभग 60-70% इसमें बॉडी रोल कम है, हल्का फुल्का है बट बहुत कम है। अभी वेदर काफ़ी ठंडा होता जा रहा है, आपको लग भी रहा होगा। और ये वीडियो मैं इसी पॉइंट पे खड़ा होकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले। काफ़ी टाइम से लोग ये रिव्यू लेना चाह रहे थे कि जब से गाड़ी ली है तब से हमारे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज़ बताओ, हम कंफ्यूज हैं, थार के अगर कंपेयर करें तो ये गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो मैं कहूँगा थार कहीं खड़ी नहीं है, हाँ, क्योंकि देखो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल कोई जिमनी भी मुझे फ्री में नहीं मिली है, ना मुझे एक रुपये का कहीं से डिस्काउंट मिला है मारुति सुजुकी का कि जो मैं इसे प्रमोट करूँगा। हाँ, बट मैं लोगों को सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा थार की बड़ाइयों में कसीदे पढ़ते हैं कि भाई थार से बेस्ट कुछ नहीं है, कि अगर थार इतनी अच्छी है तो आज तक इंडियन आर्मी ने क्यों नहीं कंसिडर की कभी थार। तो अगर आप थार के साथ जिमनी का कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि जिमनी एक नेक्स्ट लेवल कार है और थार चौड़ी बहुत है। और जब इस तरह के आप रास्तों पर जाते हैं जहाँ पर बहुत रोड नैरो होते हैं तो इसके मुकाबले में कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती। चलो जहाँ तक थार की बात है तो मैं भी थार को पसंद करता हूँ, क्योंकि थार की जो स्टैंडिंग है जब थार सामने से आती है तो बहुत सुंदर लगती है। बट मैक्सिमम लोगों से जिससे भी मैंने पूछा ना, जब अंदर बैठते हैं तो वो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, स्पेशली पिछली सीट पर। तो चलिए ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि माइलेज हो गई आपको 12-13 का माइलेज ये देती है हिल्स में, मेरी जिमनी दे रही है। और अगर अभी मैं जाऊंगा तो मुझे जो लग रहा है जो इसकी परफॉर्मेंस है प्लेन रोड पे, हाईवे पे ये 16-18 इजीली निकालेगी। और क्योंकि अभी नई है, अभी 2000 किलोमीटर के बाद इंजन थोड़ा स्मूथ होगा तब इसका माइलेज और इम्प्रूव करेगा। तो ये हो गई माइलेज की बात। ग्राउंड क्लियरेंस जैसे आप देख ही रहे हैं बहुत अच्छी है, बॉडी रोल अगर हम थार, क्योंकि कंपेयर इसका थार से ही हो रहा है, तो मैंने थार काफ़ी चलाई है, 60% बॉडी रोल इसमें कम है उससे। और जहाँ तक मेरी बोलेरो है तो बोलेरो मतलब भारी बल्कि बहुत है, थकाती है, ये बिल्कुल भी नहीं थकाती। ये लगा लो लगभग हम कल से 350-400 किलोमीटर चल चुके हैं बट थकान बिल्कुल भी नहीं हुई। मुझे तो इसे ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हमारा जो रास्ता है, मुझे अभी पता चला है कि कर्णप्रयाग का रास्ता बंद हो चुका है, तो हमें काफ़ी लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो बाकी डिटेल्स अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी आती है तो मैं ज़रूर आपको पहुँच के बताऊँगा। अभी लग रही है ठंड। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। देखिए मेरी जो भी वीडियोज़ होती है ना, वो कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर कोई भी गाड़ी खराब प्रदर्शन कर रही है तो मैं खराब बोलूँगा उसको, और अगर वो अच्छा कर रही है तो अच्छा बोलूँगा। अब बोलेरो नियो जब ख़राब थी तो मैंने आपको बताया कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद ठीक हो गई तो मैंने बता दिया कि अब वो ठीक हो गई है तो मैंने अच्छा बनाया। सेम ओला का था तो ओला में भी प्रॉब्लम आई तो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो कहीं भी ये कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो रियल चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, वही चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जैसा कि अभी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फ्यूचर में अगर कुछ ख़राब होता है तो इसका भी ज़रूर बताऊँगा।